ओम शांति। एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों की रिसर्च आपके सामने है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी एक साल पहले। आप सब जानते हैं जब भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो तीर्थ स्थान हैं, वो काफी सुरक्षित रहते हैं। पीछे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना, बद्रीनाथ में, आपने सुना होगा पानी इतना तेज बह रहा था कि सब कुछ नष्ट करता जा रहा था, लेकिन पानी के साथ बह के एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जो मंदिर के उस तरफ आके रुक गया और वो पानी का बहाव जो था दोनों तरफ बच के चलने लगा, मंदिर सेफ हो गया। बहुत अच्छा न्यूज था ये। तो वैज्ञानिकों को ये काम दिया गया कि क्या कारण है ये अच्छे स्थान, पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च करके परिणाम दिया वो आप सब सुन लें, पढ़े लिखों को बहुत काम आएगा दूसरों को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे फैलती है, चार ओर फैलती है, और जब विनाशित तरंगे, विनाशकारी तरंगे उठती हैं, आपने देखा होगा जब धरती हिलेगी, भूकंप होते हैं तो भड़काहट होती है, तरंगे फैल जाती हैं। आप सबको पता है चूहे बिल से निकल कर भागदौड़ करने लगते हैं, चींटियां बिल से निकल के बाहर आ जाती हैं, कुत्ते भी भागदौड़ करने लगते हैं। देखा हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, उछल कूद करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, ये विनाश की तरंगे चलने लगती हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष किया कि ये पवित्र तरंगे जो पवित्र स्थानों से निकल रही हैं, वो विनाश की आने वाली तरंगों को रोक कर वापिस भेज देती हैं, इसलिए ये पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। अब आप सोचो हम में से कोई ये आत्मा जो बहुत पवित्र है जिस स्थान पे होगी उसके पवित्र वाइब्रेशन विनाश के वाइब्रेशन को रोकते रहेंगे। तो एक पवित्र आत्मा हजारों लोगों के लिए छत्र छाया बन जाएंगी। क्लियर है ना? इसलिए महत्व स्थिति का है, न धन का, न जन का, न साधनों का, ये सब रखे रह जाएंगे।